भागलपुर के जुगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान नगर कॉलोनी निवासी श्रीकांत शर्मा के आवास पर विजिलेंस की टीम ने सघन छापेमारी की। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम में श्रीकांत शर्मा एक्सिक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर कार्यरत हैं। उनके घर से विजिलेंस विभाग की टीम ने छापेमारी कर 80 लाख रुपये नकद, लाखों रुपये के जेवरात और जमीन के कई कागजात बरामद किए हैं। जब छापेमारी शुरू हुई तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया। फिर छापेमारी के दौरान उनके घर से एक ब्रीफकेस में नोटों से भरा बंडल बरामद किया गया। निगरानी टीम ने आय से अधिक संपत्ति रखने के एवज में उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कार्यपालक अभियंता श्रीकांत शर्मा को फिलहाल विशेष निगरानी इकाई की टीम अवैध संपत्ति सहित कागजातों को खंगालने में जुटी हुई है। बिहार में भ्रष्टाचार पर विशेष निगरानी टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में बिहार पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता के बारे में पता चला था कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। वहीं पटना से अधिकारियों ने बताया कि इस पर विशेष जांच टीम बैठाई गई है। इसकी जांच की जाएगी और इनके कई ठिकानों पर भी छापेमारी की जाएगी। उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल श्रीकांत शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये श्री श्रीकांत शर्मा है, ये प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड में, और अभी वर्तमान में ये RCD के भी EE के पोस्ट पे इंचार्ज में। इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति गए कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए कोर्ट से कल सर्च वारंट लिया गया था और हम लोग निगरानी पटना से आए हैं और हम लोगों के टीम के सहयोगी बाकी लोग देख रहे हैं। और अभी जो सर्च में प्रथम दृष्टया जो कई कागजात दस्तावेज जमीन से संबंधित, बैंक से संबंधित और ज्वेलरी और नगद लगभग 2 सूटकेस भरा हुआ, जिसके अभी गणना की जा रही है। हाँ, और क्या अभी तो प्रथम दृष्टया लगभग 70-80 लाख रुपए के आसपास, ये पूरा गिनती होने के बाद ही एग्जैक्ट अमाउंट बता पाएंगे कि कितना। ज्वेलरी भी होगी लगभग, अब तो वैल्यूअर हम लोग मंगा रहे हैं, उसके बाद बता पाएंगे कि ये तो अंदाज अभी से होगा। बाकी तो जब अभी हम लोग एक फाइनल जब होगा तो एक प्रेस ब्रीफिंग निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के द्वारा रिलीज किया जाएगा। क्या यही कार्रवाई होगी और भी दिखाना? हाँ, और इनके ऑफिस में भी जो है एक टीम गई है, वहाँ भी तलाशी ली गई। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के कमल नगर कॉलोनी के पास देर शाम बम विस्फोट कर इलाके को दहला दिया गया। बम विस्फोट की घटना के बाद इलाके के लोगों के बीच दहशत है। कमल नगर कॉलोनी के गली में एक अपराधी का द्वारा विस्फोट किया गया, फिर उसी ने दूसरा विस्फोट सरयू देवी मोहनलाल गर्ल्स हाई स्कूल के गेट के सामने भी किया, जिससे आसपास के दुकानदारों ने आनंद फानन में दुकानें बंद कर ली। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एक अकेला अपराधी पैदल चलता हुआ बम विस्फोट कर रहा था और दुकानदारों को धमकी देकर दुकान बंद करने के लिए कहते हुए गाली गलौज देते हुए वहां से चला गया। लोगों का कहना है कि रंगदारी के लिए दुकानदारों के बीच दहशत फैलाने के लिए विस्फोट किया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस बम के अवशेषों को इकट्ठा कर अपने साथ ले गई। अपराधी की धरपकड़ के लिए भी छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इलाके का ही रहने वाला सूरज नाम का अपराधी ने यह कारनामा किया है, लेकिन लोग भयभीत हैं और उसका नाम लेने से भी डर रहे हैं। यहाँ पे एक कोई लड़का आया था जो बम मार के चला गया है, अब वो तो कैमरा में दिख जाएगा आपको सुबह में कौन है, उस पर फिर कार्रवाई कीजिए आप लोग। और वो अक्सर इस गली में आता जाता है, ये हमको पता है कि अक्सर इस गली में आता जाता है। और यहाँ पे ही नहीं, यहाँ पे एक चौक है सरयू देवी गर्ल हाई स्कूल, उसकी दीवार पे भी बम मार के गया है, मतलब इतना मन बढ़ा हुआ है उसका उसके ऊपर। और क्या, इससे पहले भी कुछ कुछ कांड हुई इस गली में, जैसे आग लग गया था एक बार, ठीक है, आग अपने आप थोड़ी लग जाता है, कोई ना कोई लगाता है। यही लंदा, और इस गली के पीछे हमेशा जो है BS पीने वाला सब हमेशा खड़ा रहता है। बम मारने का क्या कारण? क्या अब कारण तो उसको लगता रंगबाजी चाहता हूँ, यहाँ पे तो यही बोल के गया है, सुनने में आया हमको। हम तो बाहर थे, घर से जब आए तो ऊपर से लोग बोला कि वो बोला था कि जो जो दुकान खोलेगा हमको उसका हफ्ता चाहिए, ये बोल के गया। क्या नाम था, पता चला है? ऐसा कुछ अभी पता नहीं है, मगर हम पता दे भी सकते हैं। आ कैमरा में आपको दिख जाएगा सुबह में, अब सुबह आइए कैमरा में दिखा देंगे आपको। डर काफी है, डर है ही लोगों में, तब तो नहीं बोल रहा है कोई। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सलून लुक्स सलून। लुक्स सलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं, तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक्स सलून अपनी सभी प्रकार की सर्विसेज पर 20% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक्स सलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं।
अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। एक तरफ जहां बाल विवाह दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कई योजनाओं को लेकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर इसके नतीजे ढाक के तीन पात होते दिख रहे हैं। ताजा मामला सबौर थाना क्षेत्र का है, जहां सबौर के बड़ी हटिया की रहने वाली एक महिला, जिसकी शादी 2 वर्ष पहले हो चुकी थी, आज उसके पति दहेज के लोभ में उसे घर से बेदखल कर दिया, वहीं उससे 3 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की डिमांड कर दी है। मेरा पति हमको नहीं रखता है, दूसरे औरत के साथ रहता है, हमको ससुराल से भगा दिया, सास ससुर सब मारपीट करता है और मेरे हस्बैंड को सब साथ देता है, बोलता है बाप से पैसा मांग के लो तब रखेंगे, 3 लाख रुपए दहेज मांगता है, मेरा सब जेवर जेवरात सब छीन के रख लिया है। जब हम एप्लीकेशन दर्ज करने जाते हैं तो मैं एप्लीकेशन भी नहीं लेता, जब महिला थाना जाते हैं तो महिला थाना से भी डांट के मैम भगा देती है, तो फिर लास्ट में एप्लीकेशन ली, तो एप्लीकेशन लेने के बाद केस करने कर की, उसके बाद उसको है ना बेल दे दिया। बेल देने के बाद जब मेरे हस्बैंड हमेशा गाली गलौज करता है, बोलता है कि तुम कुछ करेगी तुमको जान से मार देंगे, आग लगा देंगे, घर आएगी तुमको शाम में लेके जाएंगे, सुबह मार के गायब कर देंगे। तुम्हारी शादी कब हुई थी? मेरी 24 नवंबर 2022 में हुई थी मेरी शादी। दहेज भी लिया था? कितना? दहेज 2 लाख रुपया नगद लिया था, 4 भर सोना लिया था, 20 भर चांदी लिया था, ऊपर घरेलू सामान जितना होता है टोटल 5 लाख का सामान, पीतल का सब 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 मेरा। पति का कहना है कि जब तक यह पूरा नहीं होता तब तक वो मेरे घर नहीं आ सकती। अब लाचार महिला बेबस और अपना दुखड़ा बताने सबौर थाने पहुंची, लेकिन सबौर थाने में भी उसकी बातें नहीं सुनी जा रही। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इसकी बात कौन सुनेगा? क्या दहेज से पड़ताड़ित यह महिला इसी तरह दर दर की ठोकरे खाती रहेंगी? महिला ने बताया कि मेरा पति दिलखुश उर्फ बिरबल है, जो पेशे से नृत्य प्रशिक्षक है, वह किसी और लड़की के साथ रहता है और मुझे दहेज देने की बात करता है, कहता है जब तक दहेज नहीं दोगे तब तक इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से एक घटना सामने आ रही है, जहां एक महिला पशु चारा लाने के लिए बहियार गई थी, तभी उसको प्यास लगी और वो पानी वाली चल रहे मोटर के पास पानी पीने लगी। तभी मनोहरपुर के रहने वाले मनचले युवक बजरंगी यादव ने उस महिला को अकेला देख जबरन पकड़ लिया और गलत काम करने की कोशिश करने लगा। जब वो महिला शोर मचाने लगी तब जाकर गाँव के कुछ लोग वहाँ पहुँचे और तब तक बजरंगी यादव वहाँ से फरार हो गया। इसको लेकर आज पीड़ित महिला अपनी जान माल की गुहार लगाने और न्याय की को लेकर एसएसपी आनंद कुमार के कार्यालय पहुंची। महिला ने बताया कि मैं इस आवेदन को लेकर मधुसूदनपुर थाने भी पहुंची, लेकिन वहां मुझे डांटते हुए कहकर भगा दिया कि ऐसे केस रोज आते हैं, यहां से जाओ। तब जाकर मैं थक हार कर एसएसपी के कार्यालय पहुंची हूं। घटना 25 जुलाई मंगलवार की है। एसएसपी ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा कि जल्द दोषियों पर विधि सम्बद्ध कार्रवाई की जाएगी। जब पानी पीने गए तो अंदर से घुस गया और बलजोली मेरा कलाई पकड़ लिया और हम अपना घिंचा तूनी के साथ अंदर से बाहर हुए। हम अपना जान बचाने के लिए डरा गए थे, दौड़ो बाबू कर रहे थे। कौन कौन लोग थे? बस कोई नहीं था, तब एक कुटुंब आया तो वही उसको देखा तब वो भागा। कौन आपके साथ बलजोली कर रहा? बजरंगी वाले। कहाँ गए? महरपुर। थाना गए थे भगा दिया था। अभी कहाँ है? अभी कहाँ है? अभी एसपी के पास है। तो फिर मैं ये थाना गए थे, थाना से भगा दिया। कैसा है सर, रोज आते जाते रहता। आपके साथ क्या करने गया था वो? वो बलात्कार करने गया था, जबरदस्ती कर रहा था मेरे साथ, और क्या करे। क्या हुआ? मेरा पत्नी का अभी कोई सुनवाई नहीं, कल घटना हुए क्या है, हम 8 बजे रात में आए, हमको ही बोला 8 बजे रात में हम कहाँ जाते, तो ये वास्ते हम अभी आए यहाँ, वहाँ पूछे कि थाना गए थे, बोला कि हाँ थाना गए थे, लेकिन वहाँ सपोर्ट नहीं किया, बोला कोई नहीं है, सपोर्ट नहीं किया, तो बोले हम जा रहे हैं एसपी के पास, तो हम ये वास्ते ही लेकर यहाँ बनवाए हैं वकील साहब। क्या हुआ था आपको? मेरे पत्नी के पास घास करने गया था बिहार गया, तो इसको पानी प्यास लगता है तो बोरिंग तोरिंग पर तैबे करता है, तो वही बोरिंग पर पानी पीने आया था, पानी पी करके लोटा धरने गया और जो है कि वो पहले से बैठा हुआ था बजरंगी यादव,
हेलो, पहले से कुर्सी पे बैठा हुआ था, क्या हुआ हो? जो है कि इसके साथ में क्या उसका मन में क्या जुटा नहीं जुटा, वो भी रूम घुस गया, घुसने के घुस गया तो सोचा कि ऐसे आया होगा, बगल से निकलने लगा तो कपड़ा इसका घुसा की तिरा तिरी करने लगा, तभी अपना ताकत लगा करके जो है कि बाहर निकला। अभी कहाँ है वो बजरंगी यादव? आप कहाँ है? हम अभी एसपी के पास आए। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जवाब उसका निर्णय चाहिए, उसका जो मुआवजा है मुआवजा चाहिए, ऐसा क्यों घटना कर रहा है साथ। भागलपुर में कुछ दिन पहले भागलपुर प्रशासन व नगर निगम के द्वारा तिलकामांझी चौक पर बने वेंडिंग जोन को हटा दिया गया, जिससे फुटपाथ विक्रेता संघ के लोग काफी आक्रोशित दिखे, जबकि प्रशासन ने ही उस क्षेत्र को वेंडिंग जोन बनाया था और सबों को रजिस्ट्रेशन नंबर और कार्ड भी जारी किया गया था। फिर भी नगर निगम और जिला प्रशासन ने उन सभी दुकानदारों को वहां से हटा दिया। इसको लेकर आज भागलपुर फुटपाथ विक्रेता संघ की बैठक नासावी कार्यालय हटिया रोड बैंक कॉलोनी तिलकामांझी में की गई, जिसमें संघ के द्वारा फुटपाथ विक्रेताओं के प्रशासन द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ बड़ा निर्णय लेते हुए सबों ने निर्णय लिया है कि इसका आवेदन जिलाधिकारी नगर आयुक्त के अलावे विभाग से संबंधित वरीय पदाधिकारियों को भी दिया जाए। फिर भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हमें कहीं जगह सुनिश्चित की जाए, अन्यथा हम लोग परिवार चलाने में असमर्थ हो रहे हैं। फिर भी हमारी बातें नहीं मानी गई तो शहर में चक्का जाम किया जाएगा और जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इस बैठक में नासवी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जबकि टाउन बेंडिंग कमेटी ही वेंडर के मामले में सारे डिसीजन लेने का अधिकार है। ये कानून जो स्ट्रीट बेंडिंग एक्ट 2014 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्ट्रीट बेंडिंग के मामले में स्ट्रीट वेंडर के लिए सारे डिसीजन टीवीसी लेंगे, और ये बगैर मीटिंग कराए खुद से डिसीजन ले रहे हैं और वेंडर के खिलाफ ले रहे हैं। जितने वेंडिंग जोन के बोर्ड लगे हुए थे वो सारे वेंडिंग जोन के बोर्ड ही अपने मन से उखाड़ रहे हैं और वेंडरों को विस्थापित करने का काम कर रहे हैं, वेंडरों को जो है बसाने का काम ये नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों का अभी तिलकामांझी में जस्ट जो है हुआ है, यहाँ के 50 वेंडर जो है विस्थापित हो चुके हैं, उनके रोजगार 4 दिन से बंद है, उसी को लेकर के आज बैठक भी हो रही है। और यदि आज हम लोग एक मेमोरेंडम बना करके जा रहे हैं जो है डीएम और कमिश्नर साहब से सबसे मिलने के लिए, यदि सुचारू सहित सकारात्मक यदि नहीं मिलता है जवाब तो फिर ये आंदोलन का रूप लेगा और कोर्ट का भी हम लोग सहारा लेंगे, क्योंकि जो टाउन बेंडिंग का है ये जो टीवी इन लोगों को सब लोगों को सर्टिफिकेट जारी किया गया सारे स्ट्रीट वेंडर को सीओ भी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है किस कानून के तहत किस धारा के तहत जो है ये सर्टिफिकेट जारी किया गया है। तो आप सर्टिफिकेट एक तरफ जारी कर रहे हो और दूसरे तरफ उसको उजारने का काम कर रहे हो। आपने जब जो है सर्टिफिकेट जारी किया तो आप क्यों जारी किए? आप यदि तिलकामांझी के लिए, क्योंकि वो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि ये संतोष कुमार फल विक्रेता तिलकामांझी चौक, तो आपने तो चौक के लिए स्ट्रीट में उनको जो है लाइसेंस जारी किया ना, तो फिर आप उनको वहां से क्यों हटा रहे हैं? तो ये कोर्ट में भी जाने का मामला बनता है।